गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 13, हाउ हैवी एंड हाउ लाइट। इससे पहले इसके हम बेसिक क्वेश्चंस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, तो आज हमारे पास चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको ग्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम पे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम नोट कर रखी है, तो करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में क्या कहा है इसको समझते हैं और इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ वेजिटेबल सेलर हैड 22 केजी ऑफ टोमेटोज, ही सोल्ड 18 केजी 400 ग्राम, हाउ मच टोमेटोज आर लेफ्ट विद हिम। एक वेजिटेबल सेलर है यानी सब्जी वाला, ठीक है, उसके पास कितना टोटल जो टोमेटो है वो कितनी है, 22 केजी टोमेटो है जो उसके पास अभी स्टोर है, कितना है, 22 केजी टोमेटोज हैं। टोमेटोज मीन्स टमाटर, ओके। ही सोल्ड 18 केजी एंड 400 ग्राम, जो उसके पास टोटल टोमेटो है 22 केजी, उसमें से क्या सोल्ड मीन्स बिका देता है कितना, 18 केजी एंड 400 ग्राम को, ठीक है। अब क्वेश्चन पुटअप करा, इतना तो ये था जो हमने अभी तक पढ़ा क्वेश्चन में। अ वेजिटेबल सेलर है 22 केजी ऑफ टोमेटोज, ही सोल्ड 18 केजी एंड 400 ग्राम, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि टोटल कितना है 22 केजी एंड वो सोल्ड कितना कर देता है 18 केजी एंड 400 ग्राम, ठीक है। अब वो क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है, क्या कर रहा है कि क्वेश्चन पुटअप, हाउ मच टोमेटोज आर लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितनी 22 केजी में से 18 केजी 400 ग्राम को वो जब कर क्या कर देता है, बिका देता है, तो अब उसके पास कितना टोमेटो रह जाता है, अब उसके पास कितना टोमेटो है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि हाउ मच टोमेटोज आर लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने टमाटर बाकी हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में वर्ल्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो हमें एड्रेसिंग करना है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि टोटल कितना केजी है, उसके बाद हमें दिखाना है कि कितना सेल हुआ है, और उसके बाद हमें इसको क्या करना, फाइंड आउट ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, सेपरेट करना है तो सेपरेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन होना है। टोटल में से अगर हम इसको सेपरेट क्या करेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे तो वो तो शेष नहीं रहा ना, ये कह रहा है कि अब कितना बचा हुआ लेफ्ट, ठीक है, अब उसके पास लेफ्ट यानी लेफ्ट जहाँ पे यूज आएगा, लेफ्ट हुआ ना, कितना बचा हुआ है, अब उसके पास कितना रह गया है, तो ऑलरेडी क्या होगा यहाँ पे, सेपरेट हम करेंगे। तो क्वेश्चन को करते हैं, अ वेजिटेबल A vegetable seller had total tomatoes, कितने हैं उसके पास, कितने हैं 22 केजी, ये कितने हैं इसके पास 22 केजी टोमेटो, ठीक है। अब वो सोल्ड कितना करता है, ही सोल्ड हाउ मच 18 केजी एंड 400 ग्राम, कितना सोल्ड कर देता 18 केजी एंड 400 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसके पास अब कितना बचा है, ही हैड लेफ्ट वेजिटेबल, तो क्या हो जाएगा, या वेजिटेबल लिख सकते हैं आप या फिर आप टोमेटो बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बनाएंगे यहाँ पे कॉलम, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या बताया था कि इसके हम क्या बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे और कॉलम से अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे शायद स्पेस की कमी आ गई, तो मुझे क्वेश्चन यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप इसको, ये स्टेटमेंट आएगा, इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे केजी का और एक बनाएंगे। फर्स्ट में क्या क्या, टोटल कितना है 22 केजी, तो ये आ जाएगा आपका 22 केजी, एंड ग्राम कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा ग्राम, तो आपका 00 आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या दे रखा, 18 केजी एंड 400, इतना क्या हो जाता है, सोल्ड हो जाता है 18 केजी एंड 400 ग्राम। तो इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये सबट्रैक्ट किया और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 0 - 0 क्या आ जाएगा, 0 0 - 0 0 अगेन 0 - 0 0 यहाँ देखिए, यहाँ 0 है
नीचे क्या है 4 है, तो क्या होगा 0 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या लेंगे यहाँ पे बोरो लेंगे, तो बोरो लेंगे तो क्या आ जाएगी 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10, 10 माइनस 4 तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। अब देखो 6 तो ये 6 हो गया, अब यहाँ क्या यहाँ से बोरो लिया ना, एक ये 1 कहाँ चले गया, जो यहाँ पे 1 था वो आपको उधर चले गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस 8, तो 1 माइनस 8 नहीं होता, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे बोरो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3, 11 माइनस 8 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 आपका 0। तो अब जो वेजिटेबल सेलर के पास लेफ्ट रहा वो कितना रहा 3 केजी एंड 600 ग्राम, कितना रह गया 3 केजी एंड 600 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रक 150 केजी वीट, 85 केजी राइस, 55 केजी एंड 800 ग्राम शुगर एंड 20 केजी एंड 250 ग्राम ओट्स आर लोडेड, व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड इन द ट्रक। अब देखो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक दी हुई है, यहाँ तक हमारे पास क्या दे रखी है इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि उस ट्रक में एक ट्रक में क्या है क्या क्या चीज़ें, वीट है 150 ग्राम 50 केजी, 85 केजी राइस है, 55 केजी एंड 800 ग्राम हमारे पास कितना है? क्या है शुगर है, एंड 20 केजी एंड 250 ग्राम कितना है ओट्स है, ठीक है इतना क्या है उस ट्रक में लोड है, ठीक है ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब ये क्वेश्चन पुटअप करा कि व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड इन द ट्रक, उस ट्रक में टोटल वेट कितना है, यानी ये सारा मिला के कितना हो रहा है, तो सारा मिला रहा है तो क्या हो रहा है टोटल वेट। देखो क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है, टोटल वेट, और टोटल वेट आया यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपको ऐड करना पड़ेगा, टोटल वेट के लिए क्या करेंगे जहाँ पे टोटल का यूज करेंगे टोटल वेट का तो वहाँ पे एडिशन का, और वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन समझ इतना है तो व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड इन द ट्रक, उस ट्रक में टोटल लोड कितना हुआ है तो हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा टोटल वेट लोडेड इन द ट्रक, इसका सॉल्यूशन होगा सॉल्व टोटल वेट लोडेड दी ट्रक, ये हो जाएगा टोटल वेट इस तरह से आ जाएगा, तो हम इसको अगर यहाँ पे ऐड करें तो क्या हो जाएगा सबसे पहले वेट है, तो वेट कितना है 150 केजी, देन हमारे पास क्या है एडिशन आ जाएगा, उसके बाद कितना 85 केजी, 85 केजी क्या है 85 केजी हमारे पास क्या है 85 केजी क्या है राइस है, देन 55 केजी एंड 800 ग्राम, ये क्या है शुगर है, एंड 20 केजी एंड 250 ग्राम हमारे पास क्या है ओट्स है, तो इसका हमें क्या निकालना है टोटल फाइंड आउट करना है, तो इसको देखो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एडिशन करोगे आप अगर डायरेक्ट ऐड करके या रफ में ऐड करके तो इसका आंसर हमें कितना मिल जाएगा 311 केजी एंड 50 ग्राम, एक तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अभी 311 केजी एंड 50 ग्राम कैसे आया इसका मैं इस क्वेश्चन को रेज करके आपको बताता हूँ कि कैसे इसको ऐड करें, कॉलम बना के इसको ऐड करते हैं, तो देखिए कॉलम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो यूनिट दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में, एक केजी दे रखी है एक ग्राम दे रखे, तो हम क्या करते हैं जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया केजी एंड ग्राम। अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है 150 ग्राम क्या दे रखा है 150 ग्राम दे रखा है आपका वीट 150 ग्राम वीट, इसके साथ ग्राम दे रखा नहीं दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे 0 0। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है राइस दे रखा 85 केजी, तो ये क्या देखिए इसको वंस ऑन टेंस के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टरों में भी बताया है और पिछले क्लास में भी बताया है, तो आप इसको ध्यान से रखेंगे जो नंबर राइटिंग होगा किस तरह से होगा, प्रॉपर पैटर्न आपको बता रखा है कि नंबर राइटिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे भी 85 के साथ कोई जीरो नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है शुगर है, तो शुगर कितनी है 55 केजी एंड 800 ग्राम 55 केजी एंड 800
ग्राम। देन हमारे पास ओट्स हैं, ओट्स कितने हैं 20 kg एंड 250 ग्राम। तो इन सब का आप क्या कर दो, सम कर दो। सम करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा। तो टोटल लोड क्या आएगा, देखो 000 क्यों कर रहा मैं यहाँ से, क्योंकि एक पैटर्न है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का कि हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यहाँ से राइट से लेफ्ट। ओके 000 + 5 तो ये आ जाएगा आपका 5, 00 + 8 + 2 तो ये क्या जाएगा 10। कैरी जनरेट हो गई 1, ये कैरी जनरेट हुई तो ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो ये 5 कितना हो गया 10 + 1 11, फिर कैरी जनरेट हुई तो यहाँ आ गई तो ये हो जाएगा 5 + 8 13 13 + 5 18 18 + 2 20 + 1 21, फिर यहाँ क्या आ गया 2, क्योंकि ये कैरी जनरेट हो गया तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2, इधर 2 + 1 क्या आ जाएगा आपका 3। तो ये हमारे पास जो मैंने कि इससे पहले आपको आंसर बता दिया था कि 311 kg and 50 ग्राम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें और इसी बेस पे आपके पास जो अदर्स क्वेश्चन दे रखे हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम के उनको सॉल्व करें, और अदर जो क्वेश्चंस हैं आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम की तो आप ज़रूर उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, PDF के अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप क्या करेंगे, मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने को वेरीफाई करेंगे, अगर नहीं है तो आप उस प्रोसेस को देखिए जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने आपको PDF प्रोवाइड करा रखी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।